हैकर कैसे बने, ये सवाल पिछले कुछ चंद दिनों में मुझसे इतने ज्यादा बार पूछा गया है कि आप सबके कहने पर मुझे इस पर एक वीडियो बनानी ही पड़ी। आज की तारीख में साइबर दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, हर कोई यहीं पैसा कमाना चाहता है और यहीं से फेम पाना चाहता है, जिस वजह से ये डिजिटल दुनिया अमीर होती जा रही है। और जहां आज की दुनिया का आधे से ज्यादा ज्ञान और पैसा भरा पड़ा हो, वहां चोर यानी ब्लैक हैट हैकर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से आज व्हाइट हैट हैकर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, और अगर ऐसा सही में है, अगर वाकई आप भी एक हैकर बनना चाहते हैं, तो शांत हो जाओ और अपनी तशरीफ टिका कर इस वीडियो को। इतना मुश्किल क्यों है दोस्तों? हैकिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें टिके रहकर काम करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली चेंज होने वाली फील्ड है। यहाँ आप एक चीज सीख कर ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं अब इसका मास्टर बन चुका हूँ, क्योंकि हैकिंग का कोई मास्टर नहीं है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और उस टेक्नोलॉजी को हैक करने के मेथड भी। उदाहरण के तौर पर अगर 1000 इंजीनियर एक शहर में काम करते हैं, तो दूसरे शहर के इंजीनियर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या काफी महीनों में उसी शहर के इंजीनियर्स को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आज ये YouTube हैक हो जाता है, तो 1000 हो या लाख, YouTube को बस उसकी जरूरत होगी जो इसे वापस ठीक कर सके, बाकी सबकी 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये फील्ड एक दूसरे से ज्यादा सीख के तीसरे को दबाने का ही है। परिवर्तन हर फील्ड में होता है, पर ये फील्ड परिवर्तन की ही है, यहाँ एक सा कभी नहीं रहता। क्या इस फील्ड में कोई करियर बचा है? जवाब है हाँ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हैकर्स की डिमांड भी बढ़ रही है, और जहाँ डिमांड होती है वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं रहती। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक इथिकल हैकर की डिग्री कहाँ से लूँ? कौन मुझे इथिकल हैकर बना सकता है? जवाब है आप खुद। दोस्तों आज के युवा में हैकिंग का बहुत क्रेज है, हर कोई हैकर बनना चाहता है, पर इस फील्ड में उतरने से पहले अपने आप से जरूर पूछे कि क्या ऐसा सच में है, या कहीं आप सिर्फ कुछ वीडियोस देखकर या लोगों की हैकिंग देखकर उनके बहकावे में तो नहीं आ गए। और अगर ऐसा सच में है, अगर आप किसी के बहकावे में आकर इस प्लेटफॉर्म में उतरे हैं, तो आपको जो पसंद है आप कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ सिर्फ लोग करियर बनाने के लिए आए, क्या पता सीखते सीखते आपको इसमें मजा आने लगे। और अगर आप क्लियर हो कि आपको एक हैकर ही बनना है, तो इस फील्ड में कभी भी डिग्री की चिंता ना करें, क्योंकि बड़े से बड़े हैकर जिन्हें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया है, उनमें से आधे से ज्यादा यहाँ बिना डिग्री के ही काम कर रहे हैं। उन लोगों को कंपनीज इसीलिए पैसा नहीं देती क्योंकि उनके पास डिग्री है, उन्हें सिर्फ उनके स्किल्स और नॉलेज के ही पैसे दिए जाते हैं, जिससे आज वो करोड़पति है। अगर आप भी अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक्स, साइबर न्यूज और फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़नी होंगी। मोटिवेशन के लिए आपको वर्ल्ड टॉप हैकर्स की हिस्ट्री देखनी चाहिए। अगर आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगे, तब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ने होंगे, जैसे HTML, JavaScript, Python, Ruby। आपको हैकिंग की टेक्निक जाननी होगी, जैसे फिशिंग, वाटर होल्स अटैक, DDoS, etc. अगर इंटरेस्ट बढ़ता जाए, तो बेसिक से उठकर इन सब्जेक्ट्स के डीप में जाएं। अब वो आपकी मर्जी है, आप इन्हें बुक्स पढ़कर सीखें या वीडियोस देखकर, ये आपके ऊपर है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इथिकल हैकिंग के कोर्सेज अभी दूर दूर तक नहीं है, जो है वो काफी महंगे हैं। और मुझे लगता है अगर आप हैकिंग का एज भी नहीं जानते, तो आपका वहाँ जाना एकदम बेकार है। इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसी साइट्स के बारे में बताऊंगा जहां आप हैकिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ सकते हैं, अपने सीखे हुए अटैक्स ट्राई कर सकते हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। नंबर एक पर है ट्यूटोरियल पॉइंट नामक ये वेबसाइट। अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं, तो इसमें आपको एक से एक ट्यूटोरियल मिल जाएंगे हैकिंग से रिलेटेड। सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा, HTML, C++, यहाँ सबके ट्यूटोरियल हैं, जिसे पढ़ के आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी ट्यूब, इस वेबसाइट में आपको हैकिंग के अटैक कैसे करने हैं या कैसे उनसे बचना है, ऐसे ढेरों टॉपिक वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मुझे लगता है इंसान पढ़ने के बजाय देखने से ज्यादा सीखता है। हैक अ डे, इस वेबसाइट में आपको हैकिंग के बहुत से ब्लॉग मिल जाएंगे, पर ये वेबसाइट फेमस है इसके हार्डवेयर नॉलेज की वजह से, जिसमें आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएंगी। हैक दिस साइट, आप जानते होंगे कि किसी भी वेबसाइट को बिना परमिशन के हैक करना गैर कानूनी है, पर ये वेबसाइट इसके एकदम अपोजिट है, ये आपको परमिशन देती है कि आप
इस वेबसाइट को हैक करें। आप सब कुछ सीखने के बाद यहाँ ट्राई कर सकते हैं हैकिंग ट्यूटोरियल। यहाँ आप किसी भी वेबसाइट के लूप होल को कैसे ढूंढना है ये सीख सकते हैं। ऑनलाइन टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है ये भी यहाँ आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाती है। साइब्रेरी, ये वर्ड लाइब्रेरी के जैसे मिलता जुलता है। इस वेबसाइट में आपको हैकिंग के ऊपर वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। हैकिंग लूप्स, किसी भी चीज के लूप होल्स ढूंढकर उसे हैक कैसे करें, यहाँ आपको उन टॉपिक्स में आर्टिकल्स भर भर के मिलेंगे। हैक इन द बॉक्स, इस वेबसाइट में रहकर आप लेटेस्ट वायरस और साइबर सिक्योरिटी की सारी न्यूज देख सकते हैं। ये वेबसाइट आपको साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में अपडेट रखती है। आप इन सारी वेबसाइट से फायदा कैसे उठा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, पर कुछ लोगों को सेफ खेलना पसंद है जिससे वो एक सर्टिफाइड हैकर बन जाएंगे। तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक और वेबसाइट है जो आपको एथिकल हैकर की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है, इसी काउंसिल। ये वेबसाइट आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड की बहुत सी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या नेटवर्क डिफेंस आर्किटेक्ट। इस वेबसाइट से वर्ल्ड वाइड हजारों लोग आज सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप को देखना ना भूलें। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक बाय।